हेलो सर्वे इंजीनियर, आज बात करेंगे लाइका TS07 में कैसे आप एरिया कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा। इसमें तीन चार ऑप्शन हैं। पहले तो आप मशीन को प्रॉपरली टिल्ट कर लीजिएगा, बेवल कर लीजिएगा, फिर आगे का प्रोसेस बताता। लेकिन अभी लगभग टिल्ट है, देन आप कंटिन्यू करिए, फिर ऐप्स में आइए, फिर आप सर्वे प्लस ऐप, चार ऑप्शन देख सकते हैं इसमें। सर्वे प्लस में आइए, देख सकते हैं 6 नंबर ऑप्शन एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आप ओके करिए। ओके हो जाने के बाद आप देख सकते हैं लिखा है डिस्क्रिप्शन में, कंप्यूट ऑनलाइन एरियाज, स्प्लिट एरिया एंड कैलकुलेट वॉल्यूम बाय क्रिएटिंग ए डिजिटल ट्रेंड्स मॉडल। देन आप इसको कंटिन्यू करिए। आप देख सकते हैं इसमें कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एरिया टू रेफरेंस पॉइंट, फिर दिया हुआ है DTM वॉल्यूम, फिर एरिया डाइवर्सन भी दिया हुआ है, और 2D 3D एरिया भी कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। पहले मैं बात करेंगे एरिया टू रेफरेंस पॉइंट पे, कैलकुलेट 2D/3D एरिया प्रोजेक्टेड इनटू स्लोप रेफरेंस प्लान, देन कंटिन्यू करेंगे। जब एरिया कैलकुलेशन करेंगे तो मशीन का हाइट आप ज़रूर दे दीजिएगा, ग्राउंड से मशीन का जितना हाइट है, और HR अगर आपका रिक्वायरमेंट होता है तो HR भी देना पड़ेगा, यानी हाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड प्रिज्म का हाइट। आज डायरेक्टली मैं मेजर करके एरिया दिखा देता हूँ कि कितना एरिया हो रहा है। तो पहले तो मैं मशीन को पहला हाइट में कर लेता हूँ, HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1.425। मैं 5 पॉइंट से मेजर करके दिखाता हूँ इसका एरिया क्या होगा, और टेप से भी माप के दिखा दूँगा। आप देख सकते हो 5 पॉइंट में चूना से मार्किंग किया हूँ, इसी का एरिया निकालेंगे, ये जो पूरा सेक्शन है कितना एरिया होगा। तो अभी मेरा असिस्टेंट 1st पॉइंट में खड़ा है, Area 1, इसका नाम दे देता हूँ Area 1, एरिया मेजर, फिर Area 2, यानी 2 नंबर पॉइंट में मैं भेजता हूँ मेरे असिस्टेंट को। पॉइंट नंबर 2 मेजर, 2 पॉइंट हो गया, 3rd पॉइंट में भेज रहा हूँ। अब पॉइंट 1st पॉइंट बैक, यानी जो 1st पॉइंट में बैक जाना है तो आप बैक जा सकते हो, तो मैं बैक नहीं जाएंगे, कंटिन्यू अभी मेजर करेंगे। 3rd पॉइंट मेजर, मेरा 3rd पॉइंट मेजर हो गया, इसमें डायग्राम भी बना दिया है। मेरे असिस्टेंट को 4th पॉइंट भेज रहा हूँ, 4th पॉइंट मेजर करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, एरिया कैलकुलेशन में मिनिमम आपको 3 पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है, 3 पॉइंट का, इसीलिए एक कैलकुलेशन एक ऑप्शन आया है। तो एक से मैं 3 से अधिक पॉइंट को मेजर करेंगे तो मैं 3rd पॉइंट हो गया, 4th पॉइंट को मेजर करता हूँ। देख सकते ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है, फिर लास्ट वाला पॉइंट 5th पॉइंट में मेरा असिस्टेंट को भेजता हूँ मेजर। देन आप देख सकते हैं ऐसे एक शेप बना हुआ है, आप ऑन फील्ड भी देख सकते हैं सेम ऐसे शेप बना हुआ है, एक ये 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, सेम डायग्राम भी TS में आप देख सकते हैं ऐसा डायग्राम बना हुआ है। देन आपको F2 के ऊपर देख सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें एरिया निकल के आया है 13.976 स्क्वायर मीटर, और पैरामीटर निकल के आया है 16.470, यानी इस पूरा लाइन का जो लेंथ, टोटल लेंथ, ये पैरामीटर होता है 16.470। तो मैं आपको टेप से एक बार इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, और नोट डाउन करके भी दिखा देता हूँ कि जो TS में आया है और जो फील्ड में है वो एक्चुअल में आया है कि नहीं। एरिया 13.976 मीटर स्क्वायर मीटर, तो आपको इसको ऑन फील्ड दिखा देता हूँ। पहले लेंथ को मैं इसमें लेंथ का डायमेंशन दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 नंबर है, 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है। तो यहाँ से यहाँ लेंथ क्या है टेप से दिखा देता हूँ। ये लेंथ आया है 3.945
4-5 मीटर, उधर जिनके बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर 50 0 50। तीन मीटर 670 है, 3.670, और फोर्थ से फिफ्थ का है 2 मीटर 140 है, सॉरी 2 मीटर 140। तो 3 मीटर 685, तो ये हो गया है 3 मीटर 685। इसको आप कैलकुलेशन करके एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया निकालने के लिए आपको ये जो मैं लेंथ दिया था 3.685, ये 1 2 3 4 5 पाँचों को जोड़ना है। अब देख सकते हैं इसमें आया है 16490, पैरामीटर आ गया है 16490 और मशीन में आया है 16470, यानी 20 mm का थोड़ा बहुत एरर आया है क्योंकि चूना मारा था इसलिए। तो मैं 470 ही इसको पकड़ लेता हूँ, तो 16.470। एक ये लेंथ भी लेना पड़ेगा जो यस दे सकते हो, ये आया है 16.698। तो फॉर्मूला आ गया आपका पैरामीटर इनटू ये जो लेंथ है ये बाय 2। तो ये पैरामीटर आ गया था मेरा 16470 इंटू 1698, 1 मीटर 698 डिवाइडेड 2। अब इसको कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ, 27.966 डिवाइडेड 2, इसको डिवाइडेड 2, 13983, और इधर आया है 13976, यानी थोड़ा बहुत आपका एरर आ गया है। तो यही फॉर्मूला था पेंटागन का, और स्क्वायर में करता स्क्वायर में भी आ जाता। मैं दिखाया था एरिया 2 रेफरेंस वाला, 2D/3D एरिया, कैलकुलेट 2D और 3D एरिया, कंटिन्यू करिए, फिर इसको ओके करिए, फिर लिस्ट में जाके भी आपका एरिया कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके पास अगर कोऑर्डिनेट लोड है, सपोज ये मेरा लोड है, सिलेक्ट पॉइंट हो गया, पॉइंट आईडी एक पॉइंट, फिर एक और दूसरी पॉइंट भी मैं लिस्ट से ले लेता हूँ 3, फिर चौथी पॉइंट भी ले लेता हूँ मैं लिस्ट पे जाके, सॉरी थर्ड पॉइंट 2 पॉइंट सिलेक्टेड, फिर लिस्ट में जाके फोर्थ पॉइंट भी ले लेता हूँ 1। ये पूरा एक देख सकते हैं डायमेंशन बना दिया है। फिर F4 में जाइए, फिर देख सकते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑप्शन है, कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया इसका निकल आया, पैरामीटर भी निकल आया। ये भी आपके पास अगर कोई कोऑर्डिनेट लोड है, लोड करके भी ऐसा कर सकते हो। ये पूरा देख सकते हैं एक रेक्टेंगल बना दिया है। फिर इसका वॉल्यूम बताएंगे, यहाँ पर कोई भी मिट्टी अगर खड़ा रहता है उसका एरिया कैसे निकलना है, इसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और इसको जो सबसे मेन चीज़ है HR ने आपका जो प्रिज्म हाइट है वो दे सकते हैं। मैं टॉप ले लिया, अब बॉटम ले लेंगे इसी का। सिर्फ आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, आप एक्यूरेटली उसका मेजर करिएगा और एक्यूरेटली करिएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्रिज्म हाइट। मैं नॉन प्रिज्म में किया हूँ इसलिए HR 0 देख सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट हो गया, लास्ट वाला एक बॉटम दिखा देता हूँ। तो ये मेरा पूरा एक जो डेटम था DTM वॉल्यूम, ये पूरा कैलकुलेशन कर जाएंगे, फिर कैलकुलेशन में क्लिक करेंगे तो इसका एरिया निकल गया और पैरामीटर भी निकल गया। तो मैं इसको एंड कर देता हूँ। एक और ऑप्शन है एरिया डाइवर्शन,
डिवाइड ए एरिया बाई ए पैरेलल लाइन, स्विंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। यानी कोई भी आपका एरिया आप डिवाइडेड यानी अलग अलग कर सकते हो पैरेलल लाइन या स्विंग लाइन के हिसाब से और परपेंडिकुलर हिसाब से। यानी ये जो अपना एरिया देख रहे हो इसको अगर परपेंडिकुलर या पैरेललली कर सकते हो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए ऑप्शन आया पैरेलल परसेंटेज में दिया हुआ है, फिर एक है परपेंडिकुलर परसेंटेज में दिया हुआ है, फिर स्विंग लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के लिए आप इंतजार करिए और अपना सर्वे सोसाइटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।